हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे आपको ग्रुप डी का सैलरी स्लिप, सैलरी कितना मिलता है ग्रुप डी में अगर आप नौकरी करेंगे तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही बता दें कि आपका जो भी सैलरी स्लिप है इस सीआर रीजन का है, मुंबई रीजन, मुंबई का, मुंबई डिवीज़न का है। यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ इसको देख लीजिए, ये लेवल वन का है, सेवन पे लेवल वन का है, सातवां वेतन आयोग के अनुसार लेवल वन का है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ट्रैक मेंटेनर का है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कि इनका क्या है, ये अलाउंसमेंट है और बेसिक पे है। बेसिक पे इनका 19,100, इसका मतलब दो बार इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट लग चुका है ना। 2019 का जो वैकेंसी था उसका सैलरी स्लिप है, तो दो बार इंक्रीमेंट लग चुका है। अब डियरनेस अलाउंसमेंट यहाँ पर है बेसिक का, शायद 31% यहाँ पर है, ठीक। अब जो सैलरी आएगा उसमें 34% डीए होगा। बाकी इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट है, टीए है, हाउस रेंट है 1800। हाउस रेंट डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, जिस तरह का आपका सिटी रहेगा, तीन कैटेगरी में कैटेगरी, उसमें से जो भी रहेगा उसके अनुसार आपको अलाउंसमेंट मिलेगा हाउस रेंट का। और बाकी यहाँ पर टीए है 1179 रुपया, और नाइट ड्यूटी अलाउंसमेंट, तो रेलवे में नाइट ड्यूटी अगर आपका लगा, नाइट में अगर आप ड्यूटी कीजिएगा तो उसका अलाउंसमेंट अलग से मिलेगा, तो 3,003 रुपया इसका, इनका नाइट ड्यूटी अलाउंसमेंट है। बाकी आप देखिएगा यहाँ से रिस्क अलाउंसमेंट है, ट्रैक मेंटेनर के लिए जो रिस्क है उसके लिए 1300 आपका है, तो उसका अलाउंसमेंट 1300 है। और टोटल यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो देखिए, यहाँ टोटल यहाँ पर ग्रॉस सैलरी गया है 33,703 रुपया, और बाकी इनका जो भी कटौती हुआ है, टोटल कटौती है देखिए 4572 रुपया, टोटल कटौती कितना है 4572 रुपया है। और बाकी इनका जो नेट पे है 29,131 रुपया, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है लेवल वन के हिसाब से, काफ़ी अच्छी सैलरी है 29,131 रुपया आपको, आपके अकाउंट इन हैंड सैलरी है। तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करें। दोबारा अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सैलरी स्लिप के साथ। धन्यवाद।